Hey guys, welcome to my channel, Cosmetologist and Deepthi, your friend. I hope आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपकी हेयर शाइन कर रहे होंगे. गाइज आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ पिगमेंटेशन के बारे में, स्पेशली जो माउथ के अराउंड होता है. बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि दीदी मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसे कैसे रिमूव करें, इससे कैसे बचें और ये कैसे कम्प्लीटली चला जाएगा, इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था. तो चलिए आज की वीडियो में मैं वही बताने जा रही हूँ. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर मैं आपको बताती हूँ ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में, स्किन केयर के बारे में, हेयर केयर के बारे में और बहुत सारे ऐसे ब्यूटी हैक्स हम ट्राई करते हैं और पता करते हैं कि वो वर्थ इट है या नहीं. तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये रेमेडी बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इनकी क्या क्या वजह है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग ही जानते हैं. मैं सिर्फ उस टॉपिक पे एक वीडियो बना करके आपको समझा सकती हूँ, तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. अगर आपके माउथ के अराउंड बहुत ज्यादा डार्कनेस हो रहा था, उसका फर्स्ट रीजन ये है कि अगर आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उसके कारण भी आपके फेस पे माउथ के अराउंड डार्कनेस हो सकती है, स्पेशली थोड़ी सी डार्क ब्लैक टाइप की दिखेगी. तो आपको पता ही है कि इस चीज के लिए आपको क्या करना है, आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल अवॉइड करना है, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. हमारा सेकंड रीजन है हेरिडिटी. हेरिडिटी का मतलब होता है अगर आपको जो प्रॉब्लम है वो आपके दादाजी को भी है, आपके पापा को भी है और फिर आपको भी हो रही है, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है और आपको ये दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए. एंड थर्ड रीजन है डेंटल प्रॉब्लम. अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है और आपने कोई डेंटल फिलिंग करवाई है जिसके कारण आपके माउथ के पास चीजें चेंज हुई है, तो उसी कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपके माउथ के अराउंड डार्कनेस स्टार्ट हो गई. इसके लिए भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आगे मैं तीन टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसके लिए हम खुद घर पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए कोई ना कोई रेमेडी मैं आपको बता सकती हूँ. अगर ये तीन रीजन है आपकी माउथ के अराउंड डार्कनेस होने का, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. देन फोर्थ रीजन है डिहाइड्रेशन. अगर आप वाटर इंटेक ज्यादा नहीं करते हैं या फिर बहुत ही कम करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपके माउथ के अराउंड डार्कनेस हो रहा है ब्राउन कलर का और आपको प्रॉब्लम हो रही है. फिफ्थ रीजन है हार्मोनल चेंजेस. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके माउथ के राउंड डार्कनेस हो रही है. तो इसके लिए मैं आपको आगे एक रेमेडी बताने जा रही हूँ. और सिक्स रीजन है रॉन्ग प्रोडक्ट. अगर हम कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और हमारे फेस की कोई भी सेंसिटिव एरिया को अफेक्ट कर जाता है तो वहाँ का मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे डार्कनेस होने लगती है. तो चलिए इसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ. तो अगर आपको डिहाइड्रेशन की वजह से है, रॉन्ग प्रोडक्ट यूज करने की वजह से है या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके फेस के अराउंड डार्कनेस है, तो आपको इस रेमेडी को यूज करना है. सो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको दो स्टेप्स को फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी है. आपको लेना है शुगर एंड आलमंड ऑयल. आपको किसी भी दूसरे ऑयल का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है आलमंड ऑयल. मैं यूज कर रही हूँ इंडस वैली का आलमंड ऑयल. ये छोटी सी बॉटल आती है और बहुत इजीली आपको अमेजोन या किसी भी ऐप पे मिल जाएगा और बहुत ही नॉर्मल सा प्राइस है इसका, तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महंगा पड़ेगा. तो आपको 5 ड्रॉप आलमंड ऑयल हाफ स्पून शुगर में ऐड करना है. जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है आपके माउथ के अराउंड, आपके चीक्स के अराउंड, आपको अच्छे से वहाँ पे स्क्रब करना है. एक्सफोलिएशन हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और जो भी डेड स्किन जमा हो जाती हैं उन्हें एक्सफोलिएट करके हटाने में और न्यू सेल्स बनने में भी हेल्प करती है. तो इस प्रोसेस को आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है और फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है. देन हमारा सेकेंड स्टेप है, उसके लिए आपको चाहिए सैंडलवुड पाउडर. आप किसी भी ब्रांड का सैंडलवुड पाउडर यूज़ कर सकते हैं. आपको लेना है हाफ स्पून सैंडलवुड पाउडर. उसमें ऐड करना है चुटकी भर हल्दी यानी टर्मरिक. उसके बाद आपको ऐड करना है 4 to 5 drops आलमंड ऑयल. एंड सबसे लास्ट में इसको पैक फॉर्म में बनाने के लिए आपको ऐड करना है गुलाब जल. ना ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी में पेस्ट बनाइएगा, ना ज़्यादा थिक बनाइएगा, मीडियम बनाइएगा ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन पे लग जाए. एक थिक लेयर अपने पूरे फेस पे लगाना है आपको, या फिर जहाँ भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे आपको लगाना है माउथ के अराउंड, चीक्स के अराउंड. और उसके बाद जब तक ये कम्प्लीटली सूख ना जाए आपको वेट करना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है. इस प्रोसेस को आपको हफ्ते में 2 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप पैक को रेगुलरली भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप को आपको हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 बार करना है. ऐसा करने से आपको कुछ ही हफ्तों में अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा. और साथ ही साथ आपको अच्छी डाइट लेनी है, फ्रूट्स खाना है, अच्छे वेजिटेबल्स खाना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीना है, ताकि इंटरनली भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा मदद मिले. आई होप गाइस ये वीडियो देख करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और साथ ही साथ आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिला होगा. तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके ग्रे कलर का कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आपको कुछ भी मुझसे पर्सनली डिस्कस करना है स्किन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, हेयर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, उस पर क्लिक करके सीधे आप मेरे प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे, पर्सनली मुझसे डिस्कस कर पाएंगे। और आप चाहते हैं आपके बताए गए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।